आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ फूली फूली गेहूँ के आटे की बनी पूड़ियाँ। तो आइए फ्रेंड्स, देर न करते हुए हम लोग जल्दी से देखते हैं कि ये फूली फूली गेहूँ के आटे की पूड़ी कैसे बनी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ललिता और स्वागत करती हूँ आप सबका ललिता किचन में। तो ये मैं 2 कप गेहूँ का आटा ले ली हूँ और इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक, यानी स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। आप बिना नमक का भी पूड़ी बना सकते हैं। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी और दोनों को मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका सख्त आटा लगाकर तैयार करेंगे। हमें रोटी की तरह इसका नरम और मुलायम आटा नहीं लगाना है, हमें सख्त आटा लगाना है। और सख्त आटा लगाएंगे और बिल्कुल अच्छे से इसे गूंथेंगे। जितनी अच्छी आपकी आटे गूंथी होंगी उतनी ही फूले फूले आपके पूड़ी बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए, मैं अच्छे से इन्हें मिक्स कर ली। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इनका आटा लगा लूँगी। तो ये देखिए, मैं अच्छे से सख्त आटा लगाकर तैयार कर ली और बहुत अच्छे से मैं इस आटा को गूंथी हूँ। जितनी अच्छी आप आटा गूंथेंगे उतनी ही अच्छी आपकी पूड़ी बनेगी, इस बात का ध्यान रखना है। तो अब आइए एक बार और मिक्स करेंगे आटा को और इससे बड़ी सी लोइयाँ तोड़ेंगे। बड़ी सी एक लोइयाँ तोड़ लेंगे, यानी आटे से बड़ा सा एक डो ले लेंगे और इन्हें लंबे शेप में करेंगे और इस तरीके से। और चक्कू ले लेंगे, नाइफ लेंगे और नाइफ़ की हेल्प से छोटे छोटे साइज़ में इन्हें अलग अलग टुकड़ों में कर लेंगे। यानी जितनी बड़ी आपको पूड़ी बनानी है उतने बड़े साइज़ की आप लोइयाँ बना लें। छोटी बड़ी पूड़ी आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो मैं इतने बड़े साइज़ की लोइयाँ ले ली हूँ और इससे पूड़ी बेल लेंगे। तो ये देखिए, सारे लोइयाँ को मैं तैयार कर ली। अब बेलन और चकला पे मैं घी लगाऊंगी, घी या तेल लगाएंगे और उसके बाद पूड़ी को बेलेंगे। सूखे आटे से पूड़ी को ना बेलें, सूखे आटे से पूड़ी बेलने से तेल जो है गंदा हो जाता है, यानी जो सूखा हुआ आटा होता है वो तेल में चला जाता है और तेल जो है गंदा हो जाता है फ्राई जब करेंगे पूड़ी। तो इसलिए तेल या घी लगा करके आप पूड़ी को बेलें, बहुत ही अच्छी पूड़ी बनेगी। तो सारे पूड़ी सेम तरीके से बेलकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैं गैस ऑन करके और गैस पे कढ़ाई पहले से रख दी थी और तेल जो है गर्म हो गया है। तो पहले एक छोटा सा टुकड़ा डालेंगे और इसे देखेंगे कि तेल गर्म है या नहीं। हमें हाई गर्म तेल चाहिए पूड़ी तलने के लिए, हाई गर्म तेल चाहिए और हाई फ्लेम पे पूड़ी को तलेंगे। तो ये देखिए, मैं पूड़ी को डाल दी। अब इस तरीके से इन्हें हिलाएंगे और अपने आप पूरी जो है देखिए फूल जाएगा और सारे पूरी आपके फूले फूले बनकर तैयार होंगे। तो इस तरीके से सारे पूरी को तल लेंगे और पहले थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो कढ़ाई में वापस चला जाए। और एक साथ आप दो दो पूड़ी भी तल सकते हैं। जैसे ही एक पूड़ी फूल जाए दूसरा पूड़ी डालिए और दोनों दो पूड़ी भी आप एक साथ तल सकते हैं। तो ये देखिए, एक पूड़ी जैसे ही फूलेगा तो दूसरा पूड़ी डाल दीजिए, दूसरा भी आपका फूल जाएगा। ऐसे क्या होगा कि एक साथ आप दो दो पूड़ी तलेंगे तो कम समय में ढेर सारी आप पूड़ी को तल लेंगे। और जब एक पूड़ी फूल जाए तो ही दूसरा पूड़ी को डालेंगे और इसी तरीके से सारे पूड़ी तल लेंगे। तो ये देखिए, सारे फूले फूले पूड़ी बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की गेहूं के आटे की फूली फूली पूड़ियाँ बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं फिर मिलूँगी एक न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।